अच्छा देखो, आयोडीन का जो प्रोटॉन नंबर है वो 53, यानी इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिख ली कि उसमें किस तरह से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। वो कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे लिखी, इससे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। जब ये हम इस तरह से लिख लेते हैं ना स्टेयर केस, उसके बाद यूं यूं लाइनें लगा देते हैं। फिर हम कहते हैं कि पहले 1s2 में जाएगा, फिर 2s2 में जाएगा, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरह से हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। और हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके पूरे हो गए। मैंने इन्हें काउंट किया, 10, 20, 30, 40, 40 और 8, 48। तो बचे 48, इसमें से निकाला 5 बचे, तो इस आखिरी वाले में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये तो आयोडीन की होगी। फिर आई नेगेटिव की क्या होगी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए, तो ऊपर वाली सारी सेम रहेगी और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होके ये बन जाएगा 5p6। अब जब मैंने इसको ड्रॉ किया ना, तो वो इस तरह बनेगा कि 5s2 तो पूरा था ना, पूरे उसमें इलेक्ट्रॉन्स, और 5p6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन एम्प्टी है 5d वाला। अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर भेज दिया और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज दिया, और इसने अपनी इस तरह की बना ली कि 2 यहाँ पे रह गए, एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, और वो अगले वाले दो में चले गए। तो 4 खाली हो गए, 4 वैलेंस हो गए। यानी एक अब फ्लोरीन का यहाँ के लग सकता है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक फ्लोरीन यहाँ पे, सही है। तो मतलब हमारे पास 4 खाली थे ना, और 2 लोन पेयर थे। तो हमने कह दिया कि ये एस था ना, 5s, एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल और डी के 2 ऑर्बिटल, एस p3 d2। और इसमें जब हमने फ्लोरीन डाल लिया तो हमारे पास आयोडीन के साथ 4 बॉन्ड बने हुए और 2 लोन पेयर हैं। ये वाले 2 लोन पेयर थे ना, तो ये इस तरह से शो हो गया।